अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे रेडियो एक्टिव डीके के बारे में, और हम लोग ने बात की कि सपोजिंग आपके पास कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो वो क्या है, वो डीके होता है फ्रॉम अनस्टेबल फॉर्म टू स्टेबल फॉर्म। तो सपोजिंग टी इक्वल टू जीरो पे आपके पास एन नॉट नंबर ऑफ एटम्स है, तो एट अ टाइम टी आपके एटम्स कम हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपको एन। तो डी एन जो है वो होता है आपका चेंज इन द नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियर। तो ये डी एन जो है इज इक्वल टू इनिशियल माइनस एट टाइम टी कितने होते हैं, और हम लोग कह सकते हैं कि ये डी एन बाई डी टी इज प्रपोर्शनल टू एन। एंड एक्चुअली ये है प्रपोर्शनल टू माइनस एन, क्योंकि ये जैसा एन बढ़ता है तो वो और वो माइनस रिड्यूस हो जाता है, राइट। अब अगर हम लोग यहाँ इक्वालिटी डालना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लैमडा टी, जहाँ पे ये लैमडे लैमडा को हम लोग बुलाते हैं डी के कॉन्स्टेंट। ओके, और ये डी के कॉन्स्टेंट डिपेंडेंट होता है ऑन डिफरेंट मटीरियल, राइट। सपोजिंग ये रेडॉन है, यूरेनियम है, जो भी अलग अलग मटीरियल्स है उनका ये जो डी के रेट है या डी के कॉन्स्टेंट है ये अलग होगा, राइट। अब हम लोग ने कहा, सॉरी ये लैम्डा टी नहीं, ये सॉरी मैंने गलती की है, यहाँ पे मेरे पास आएगा लैम्डा इंटू एन, सॉरी ये मैं इसको फिर रब आउट करूंगी, ये आ जाएगा मेरा लैम्डा इंटू एन। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करेंगे तो डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस सी, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रल, राइट। अब हम लोग को मालूम है कि एट टी इक्वल टू जीरो एन वॉज इक्वल टू एन नॉट, तो वो मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगी और मैं लिख सकती हूँ लॉग ऑफ एन नॉट इज इक्वल टू सी, क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो, एंड देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस लॉग ऑफ एन नॉट, रादर लॉग ऑफ एन माइनस लॉग ऑफ एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी, एंड देयरफॉर लॉग एन बाई एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। इसको हम लोग एक्सपोनेंट पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ ई पार माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू एन बाई एन नॉट, विच गिव्स मी एन इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर, राइट। यही चीज को मैं लिख सकती हूँ, ओके तो यही चीज को मैं अगर प्लॉट करूंगी, राइट, इसको प्लॉट कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो अगर हमारे पास एन नॉट नंबर ऑफ ये है, राइट, एन नॉट नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, वो एक्सपोनेंशियल के जैसा ऐसा बढ़ेगा, तो ये है मेरा एन और ये है मेरा टी, तो इस तरह से ये रिड्यूस होते रहेगा, ये जो फंक्शन है ये है एन नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी, तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट के जैसे फॉल होगा, जिसके वजह से ये टी जीरो कभी क्रॉस नहीं करेगा, ये असिम्प्टोटिकली इसके साथ 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 आएगा। ओके, तो ये हमें बताता है कि ये नंबर ऑफ एटम्स किस तरह से रिड्यूस होते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया आपको, मैं इसको फिर से बेहतर ड्रॉ करूंगी, बेहतर ड्रॉ करके आपको बताऊंगी। अगर ये इस तरह से फॉल हो रहा है तो ये ऐसा फॉल होगा, राइट, ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा, ओके, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये है टी और ये है एन, ये फॉल होगा लेकिन कभी इसको टच नहीं होगा, और इसी इन्फिनिटी तक ऐसे चलेगा मैम, सॉरी इन्फिनिटी तक ऐसे चलेगा, मतलब टच नहीं करेगा कभी। आपको कभी भी एन जीरो नहीं हो जाएगा, आपका एन जो है कभी जीरो नहीं होगा, यानी कि ये इंटरसेक्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन कम होते जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा, ओके क्योंकि नहीं तो अगर वो टच करना ठीक है है, तो उसके लिए आपका एन इक्वल टू जीरो डालना पड़ेगा ना, लेकिन आपको मालूम है कि ई पावर इधर भी सबसे कम करेंगे तो आपको ये जीरो नहीं आएगा, छोटा नंबर आएगा लेकिन जीरो नहीं आएगा,
ओके, इसीलिए हम लोग डिफाइन करते हैं टी हाफ, जिसको हम लोग बुलाते हैं हाफ लाइफ, यानी कि हाफ लाइफ टी हाफ है जब हमारा एन इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाय टू, यानी कि हमारे जितने भी एटम्स थे बिगनिंग में वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू हो जाते हैं, राइट, जो बिगनिंग में थे उसके एग्जैक्टली हाफ हो जाएंगे। तो वो अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगी मैं ये वाले फॉर्मूला में, राइट, तो हमें मिलेगा एन नॉट बाय टू इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी, या हाफ इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी। इसको रिवर्स करेंगे तो हमें आएगा टू इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ लैम्डा टी, राइट। अब अगर हम लोग लॉग लेंगे इसको तो आएगा लॉग ऑफ टू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, या टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ टू डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो लॉग ऑफ टू का वैल्यू है 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो इसको हम लोग बुलाते हैं टी हाफ। तो ये हो जाएगा मेरा टी हाफ। इसको हम लोग बुलाते हैं हाफ लाइफ, यानी कि कितने टाइम में जो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स है उसके आधे कितने टाइम में हो जाएंगे, राइट। तो अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग हाफ लाइफ्स होते हैं, ओके, डिपेंडिंग अपॉन क्या उसका लैम्डा का वैल्यू है, ओके। ये समझ में आया ना आप लोगों को? तो मैं लास्ट एक बस फटाफट एक प्रॉब्लम करूंगी जो आपको इसमें बताती हूँ कि सपोजिंग आपके पास रेडॉन है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, कितने टाइम में ये जो है सिर्फ 60% बचेगा, राइट, कितने टाइम में 60% रेडॉन बचेगा, ओके। अब रेडॉन का हाफ लाइफ क्या है, 3.82 डेज, राइट, 3. सो टी हाफ इज इक्वल टू 3.8 डेज, ये है हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन। और मैं आपको पूछ रही हूँ कि अगर मेरे पास कुछ क्वांटिटी ऑफ रेडॉन है तो कितनी देर में इसका सिर्फ 60% बचेगा, राइट। तो हम लोग ने ऑलरेडी हाफ लाइफ का हमें फॉर्मूला मालूम है, ये है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो अगर मेरे पास हाफ लाइफ मुझे मालूम है तो मैं लैम्डा पता कर सकती हूँ, राइट, तो मैं कह सकती हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, राइट, करेक्ट। तो इससे मुझे क्या मिल जाता है, टी हाफ, सॉरी, इससे मुझे मिल जाता है, या सो टी हाफ ये है, तो ये आ गया आपका टी हाफ इज देयरफॉर इक्वल टू दिस, राइट। हम लोग एक्चुअली माइनस साइन भी भूल गए, तो वो पहले इसको देखेंगे। तो मेरा क्या है, n by n naught is going to be equal to e power minus lambda t, लेकिन n by n naught इसको logs में लेंगे तो we will get log of n by n naught is equal to minus lambda into t, right, and therefore lambda into t is equal to log of n naught by n, ये reverse कर देंगे, right, ठीक है। अब हमें क्या मालूम है कि हमारे पास therefore t is equal to 1 upon lambda log of n naught by n, right? लेकिन हम लोग ने क्या कहा है, हमारा ये n naught by n कितना होना है, 60% होना है, right? So therefore कितना हो जाएगा हमारे पास, बचेगा हमारे पास 40%, right? तो ये जो n अब हो जाएगा, ये हो जाएगा 40% और ये हो जाएगा आपका this thing, right? And therefore हम लोग लिख सकते हैं कि ये लैम्डा इज इक्वल टू दिस, राइट, विच इज इक्वल टू दिस, ये है मेरा लैम्डा वैल्यू, और मेरा टी क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर माय टी विल देयरफॉर इक्वल टू इसका उल्टा, राइट, ये जो है हमारा, ये मैंने लैम्डा लिखा 0.693 डिवाइडेड 3.8 डेज, तो ये 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा 3.8 डिवाइडेड बाय 0.693, और यहाँ आ जाएगा मेरा लॉग, लॉग क्या हो जाएगा आपका एन नॉट बाय एन, तो 60% आपके पास खत्म हो गया, तो आपके बचता है 40%,
तो ये n जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 40%, यानी कि 0.4। ये समझ में आ गया ना, 60% डीके होना है तो ये n जो है, अगर 60% डीके होना है तो आपका n जो हो जाएगा बचेगा आपको 40%। इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने 0.4 लिखा है, 40% करने का है, राइट? तो अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कैलकुलेटर के साथ देखेंगे, तो मैं जरा लगाऊंगी कैलकुलेटर, आपको मेरा कैलकुलेटर नहीं दिखेगा लेकिन कैलकुलेट करने से आप लोग भी ट्राई करके देख सकेंगे, आपको मिलेगा 5.05 डेज। हाफ लाइफ कितना था हमारा, 3.8 डेज, यानी कि 3.8 डेज में 50% बचता है। लेकिन अगर आपको 60% को डीके कराना है तो आपको ज्यादा टाइम यूज करना पड़ेगा, जो है 5.05 डेज। ठीक है, यानी कि 5.05 डेज में इसका जो क्या कहते हैं, ये जो प्रोपोर्शन है रेडॉन का, 60% आपका डीके हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये होता है हाफ लाइफ का किस्सा। ओके, तो इन शॉर्ट आपके पास जैसे ये रेडियो एक्टिव मटेरियल रहता है, तो अगर आपको मालूम है इसका हाफ लाइफ, तो अकॉर्डिंगली उसको हम लोग बता सकते हैं कि किस तरह से वो डीके होता है, राइट? अब ये डीके कंटिन्यू होता है इस तरह से कि वो चीज जो है ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो जाती है, राइट? तो इस तरह से वो डीके होते रहता है ताकि वो कोई स्टेबल फॉर्म में आ जाता है, और उसके बाद वंस वो स्टेबल फॉर्म में आ जाता है तो फिर वो डीके होना बंद होता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो डीके है ये स्पॉन्टेनियस डीके है, राइट? यानी कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद, ये जो मटेरियल है ये खुद ब खुद डीके हो जाता है, राइट? यानी खुद ब खुद ये मटेरियल खत्म होता है। ओके, तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे पत्थरों का, राइट, के पत्थरों में रेडियो एक्टिविटी कैसी है, तो अगर ये पत्थरों में इनिशियल टाइम इक्वल टी इक्वल टू जीरो में कुछ यूरेनियम था या कुछ रेडॉन था या कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल था, तो क्या है, वो स्लोली 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 डीके होते रहता है, राइट? जिसके वजह से वो पत्थरों में वो जो रेडिएशन है वो ट्रैक हो जाता है, यानी कि वो पकड़ लेता है रेडिएशन को। तो अगर आपके पास कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है, राइट, तो रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या करता है, स्पॉन्टेनियसली यानी खुद ब खुद डीके होते रहता है इनटू मोर स्टेबल फॉर्म्स, राइट, जिसके वजह से वो चीज में से रेडिएशन निकलता है, राइट? तो इसी किस्म का रेडिएशन था जो बेक्वेरल ने देखा, कि वो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली वो मटेरियल में से रेडिएशन निकल रहा है, राइट? तो ये जैसा मैंने आपको बताया नेचुरल सोर्सेस से हो सकता है, खाना पानी रॉक्स एक्सेट्रा, और आर्टिफिशियल सोर्सेस से भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक्सरे सीटी स्कैन, ऐसे कई चीजें जो करते हैं, या मोबाइल फोन्स का रेडिएशन। तो अलग किस्म के रेडिएशन आपको आर्टिफिशियल सोर्सेस से भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट मंडे जरफशाह का प्रेजेंटेशन है। जरफशाह आप मुझे पीपीटी भी भेजिए और राइट अप भी भेजिए, ओके? फरहत का राइट अप मैं अभी सबके साथ शेयर करूंगी, जरफशाह आप भी अपना राइट अप और पीपीटी भेजिए, ठीक है? और सभी लोग चैट विंडो पे अपना प्रेजेंट प्रेजेंट लिख लीजिए, ओके? सब लोग चैट विंडो पे अपना लिख लीजिए।